हेलो एवरीवन, ग्रामीण विकास के टॉपिक में कल हमने कृषि के लेक्चर को पढ़ा। कृषि से संबंधित टॉपिक्स को हमने वहां पर पढ़ना शुरू किया था। आज उसी टॉपिक के अंतर्गत कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी लेंगे। आज हम यहां पर देखेंगे फसलों का जो वर्गीकरण है वो यहां पर किस किस आधार पर है, जैसे ऋतुओं के आधार पर है, जीवन चक्र के आधार पर है, भूमि के आधार पर है। साथ ही यहां पर कृषि से संबंधित वानस्पतिक वर्गीकरण की चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ यहां पर हम एट द लास्ट यहां पर कृषि से संबंधित क्रांतियों की भी चर्चा यहां पर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, जैसे कृषि क्रांति जो होती है काफ़ी अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही यहाँ पर कृषि प्रणालियों को लेकर, जैसे यहाँ पर जीवन चक्र के आधार पर एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय फसलें पूछी जाती हैं, या फिर आपके ऋतुओं के आधार पर कौन सी फसलें होती हैं, उनका महीना कौन सा होता है, उसमें कौन सी चीज़ें विशेषताएँ होती हैं, इसको लेकर काफ़ी सारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं और देखेंगे कि आज इनके क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। तो फसलों के वर्गीकरण में सबसे पहले ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण हम करके देखते हैं। ऋतुएं, आप सभी को पता है कि भारत में यहाँ पर मूलतः तीन ऋतुएं पाई जाती हैं, जो जायद, खरीफ और रबी की जो फसलें होती हैं यहाँ पर तीन अलग अलग महीनों में देखी गई हैं। बेसिकली आप सर्दी, गर्मी, बरसात यहाँ पर तीन महीने होते हैं, उसी आधार पर हम इनको भी यहाँ पर व्याख्यायित करते हैं। जो जायद की फसल होती है मूलतः गर्मी के मंथ में होती है, महीना देख सकते हैं मार्च से जून का होता है। मार्च से जून के जो महीने होते हैं यहाँ पर आपको पता है तापमान बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो वायु होती है वो कहीं ना कहीं एक शुष्क वायु होता है और तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण जो मिट्टी में कहीं ना कहीं नमी होती है वो भी कम हो जाती है। और ऐसे स्थितियों में यहाँ पर जो फसलें होती हैं, अगर देखें तो खीरा है, तरबूज है और खरबूज जैसी जो फसलें होती हैं इनको यहाँ पर हम उपजाते हैं। मार्च अप्रैल में ये बोई जाती हैं और जून जुलाई में ये फसलें जो होती हैं आपको काटी जाती हैं। इसके पश्चात आता है दूसरी जो फसल है वो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जो होती है यह मूलतः बरसात के महीने में शुरू होती हैं और बरसात के महीने में होने के कारण आपको पता है अच्छी खासी मात्रा में मिट्टी में नमी भी होती है, वायु में भी नमी होती है, जिसके कारण यहाँ पर एक जो फसली होती खासी यहाँ पर एक कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी आपका बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पीरियड में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि खरीफ की फसल का सीज़न क्या होता है तो ये जुलाई में, जून लास्ट और जुलाई में कह सकते हैं कि बोई जाएंगी और अक्टूबर में यहाँ पर ये फसलें जो होती हैं काटी जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो यहाँ पर आपको है चावल है, ज्वार जैसी जो फसलें आती हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, खरीफ के अंतर्गत आएंगी। इसके अंदर कई सारी फसलें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में थर्ड आता है रबी। रबी का जो मौसम होता है मूलतः ठंडी के महीने में शुरू होता है और ठंडी का महीना आपको पता है तापमान बहुत कम होता है और वहाँ पर जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी बढ़ी हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण चीज़ों को लेकर वायुमंडल नमी ज़्यादा होती है और ऐसी स्थितियों में चीज़ों को लेकर तापमान आपका कम होता है और इस सभी चीज़ों के कारण आपकी जो फसलें होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में जो होती हैं बोई जाती हैं और जो यहाँ पर फरवरी के मंथ में आपको काटी जाती हैं। तो इस तरीके से एक ठंडी के महीने में ठंडी की जो फसलें हैं उनको भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं। फसलें कौन सी हैं, तो गेहूं है, चना है, सरसों है, ये जो फसलें हैं आपको कम तापमान में ठंडे तापमान के लिए यहाँ पर रबी के समय में बोई और काटी जाती है। इस तरीके से हमने यहाँ तीन फसलें देखी, जायद मूलतः गर्मी के महीने में, खरीफ बरसात के महीने में, रबी ठंडी के महीने में। महीना मार्च से जून जायद का है, खरीफ का जुलाई से अक्टूबर है और रबी का नवंबर से दिसंबर है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद यही जो विशेषताएं मैंने यहाँ पर नीचे जैसे आपको बताया कि जायद की जो है वो शुष्क मौसम और कम पानी की स्थितियाँ होती हैं, खरीफ की फसलें हैं अधिक पानी वाली फसलें होती हैं, बरसात अच्छी खासी मात्रा में होती है, रबी जो होता है कम तापमान वाली यहाँ पर आपकी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। ये तो ऋतुओं के आधार पर हमने यहाँ पर जानकारी देख ली कि फसलों और उनका वर्गीकरण देख लिया। अब बात करते हैं कि जीवन चक्र के आधार पर, अर्थात एक फसल कितने समय में परिपूर्ण हो जाती है या पूरी तरह से पक जाती है, उनका जो महीना होता है उनके बोने से लेकर के काटने तक की जो संपूर्ण अवधि कितने वर्ष में पूरी हो जाती है और इस आधार पर उन्हें एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय वहाँ पर कहा जाता है, कि जब से उनके बीज को तैयार करने से लेकर उनके वहाँ पर काटे जाने तक की पूरी स्थिति का कंप्लीट हो जाना। तो यहाँ पर जीवन चक्र के आधार पर एक वर्षीय फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ, चना, अर्थात इनकी जो इनके बीज तैयार करने से लेकर इनको बोने और काटने तक की पूरी प्रक्रिया कितनी है, एक साल में पूरी हो जाएगी। और इसके अंदर कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूं, जौ, चना, ध्यान रखना है।
दूसरी फसलें चुकंदर है, चुकंदर जिसका होता है एक एक साल में जो होते हैं उसके बीज तैयार किए जाते हैं और अगले साल उसे बोया और लगाया जाता है, तो यहाँ पर 2 साल इसको लग जाते हैं। ऐसी फसलों को बोला जाता है द्विवर्षीय फसलें, जैसे कि चुकंदर है। तीसरा है बहुवर्षीय फसलें, अर्थात कई वर्षों में चीज़ों को वहाँ पर निरंतर रूप से उस पर काम करते हैं और रहना पड़ता है इसके लिए, जैसे कि लोशन है, नेपियर है, तो 2 साल से अधिक की जो फसलें हैं उनको हम यहाँ पर बहुवर्षीय फसलें कहते हैं। तो जीवन चक्र के आधार पर फसलें कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एकवर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से एकवर्षीय फसलें कौन सी हैं, तो वहां पर हो सकता है आपको एक गेहूं का ऑप्शन दे दे, चुकंदर का ऑप्शन दे दे, लोशन का ऑप्शन दे दे, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो एक वर्षीय कौन सी है? गेहूं है। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन, इसी तरह से आपके द्विवर्षीय या पूछा जा सकता है या फिर बहुवर्षीय पूछा जा सकता है, ऑप्शन इन्हीं सारे में से होंगे, तो इनको ध्यान में रखना है कि कौन से किस वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद भूमि के आधार पर हम देखें, भूमि क्या होती है? उसकी संरचना के आधार पर, अर्थात बनावट के आधार पर, उसकी संरचना बनावट के आधार पर मिट्टी कैसी होती है? या तो मिट्टी हल्की होगी, या तो मिट्टी भारी होगी, या तो मिट्टी मध्यम होगी, अर्थात ना बहुत भारी होगी ना बहुत हल्की होगी। तो इसके आधार पर यदि हम कहें कि हल्की भूमि वाली जो फसलें हैं, अर्थात जिनकी मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती है, जिनकी संरचना जो होती है शिथिल होती है, जल्दी टूट फूट जाती हैं, तो ऐसी जो मिट्टी हैं ऐसी हल्की भूमि वाली फसलें कही जाती हैं। हल्की भूमि वाली फसलों के अंतर्गत बाजरा आता है, मूंग आती है और ककड़ी आती है। दूसरा कहते हैं भारी भूमि वाली फसलें, अर्थात ऐसी फसलें जहां पर मिट्टी की जो संरचना होती है वो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छी होती है, बेहतर होती है और पकड़ के रखती है फसलों को, जैसे कि आपको कपास हो गया और धान हो गया। तीसरा यहाँ पर आता है मध्यम भूमि वाली फसलें, अर्थात बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं होती हैं, और ऐसी जो मिट्टी होती है वहाँ पर आपको ज़्यादातर कैसी सब्जियाँ होती हैं, अर्थात ज़्यादातर सब्जियों का उत्पादन मध्यम भूमि वाली फसलों के अंतर्गत हम करते हैं। तो फसलों का वर्गीकरण हमने यहाँ पर 3 आधार पर देखा, किस किस आधार पर? ऋतुओं के आधार पर हमने देख लिया, साथ ही यहाँ पर उनके जीवन चक्र के आधार पर देख लिया, और साथ साथ हमने भूमि के आधार पर भी यहाँ पर पढ़ लिया। तो ये तो हो गया हमारा भूमि का वर्गीकरण, अन्य कुछ चीजें अब चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, अर्थात जब किसी भी फसल को प्रयोग करना होता है आर्थिक दृष्टिकोण से, तो उनको हम किन किन वर्गों के अंतर्गत रख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला होता है अनाज फसलें, अनाज फसलें अर्थात गेहूं, जौ, चना, धान, ऐसी फसलें जो अनाज के रूप में, खाद्यान्न के रूप में प्रयोग, इनको हम खाद्यान्न फसलें भी कहते हैं, अनाज या खाद्यान्न फसलें। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, और ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, जैसे गेहूं, ज्वार, चना, बरसीम, तो आपको गेहूं का ऑप्शन टिक करना है। गेहूं अर्थात इसमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, गेहूं भी दे सकता है, जौ भी दे सकता है, चना भी दे सकता है और मटर भी दे सकता है। इसके बाद मोटे अनाज की बात की जाती है, मोटे अनाज अर्थात वहाँ पर जिनकी संरचना होती है थोड़ा सा मोटे होते हैं और प्रकृति के आधार पर वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोटीन इत्यादि की मात्रा उसमें कहीं ज़्यादा होती है, ऐसे जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तो मोटे अनाज के अंतर्गत कौन कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा और मक्का। तीसरी जो फसल रहती है उसको दलहनी फसलें कहते हैं, अर्थात जो दाल होती हैं, तो दलहनी फसलों के अंतर्गत चना है, मटर है, मसूर है, सोयाबीन है और अन्य कई सारी आपको दलहनी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं, उड़द हो गई आपकी। इसके बाद चारा फसलें आती हैं, अर्थात घास वाली जो फसलें होती हैं जिसमें आपकी बरसीम हो गई, लेपियर हो गई और लोबिया हो गई और नेपियर हो गई, ऐसी फसलें जो मुख्यतः जानवरों को देने के लिए उनके खाद्यान्न के रूप में प्रयोग की जाती हैं, उनको खाने के लिए वहाँ पर प्रयोग उगाई जाती हैं, तो ऐसी फसलों को हम चारा फसलें कहते हैं, जैसे कि आपको बरसीम, लोबिया और नेपियर। तीसरा है रेशे वाली फसलें, अर्थात ऐसी फसलें जिनमें रेशे होते हैं, रेशे नुमा जो होती हैं उनकी संरचना होती है, उनको हम रेशे वाली फसलें कहते हैं। रेशे वाली फसलों के अंतर्गत यहाँ पर कपास आता है, जूट आता है और सनई आती है। तो यहाँ पर आपने देखा भी होगा, आप गांव से होंगे या फिर अगर आप कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी फसलें वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं जिनको हम रेशे वाली फसलें कहते हैं, या कपास आपने देखी होगी, जूट या सनई जैसी चीज़ों को आपने देखा होगा। इसके बाद आता है व्यापारिक फसलें, अर्थात जिनका व्यापार के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात आयात निर्यात जिनका किया जाता है, जैसे कि चाय हो गए, रबड़ हो गया और कहवा होता है, बड़े मात्रा में इनका जो उत्पादन करना होता है वो सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से ही किया जाता है।
इसके अलावा बागवानी फसलें हो गई, अर्थात जिनका बड़े बड़े बागान बनाकर उनका रोपण करके और उसके बाद उनका उत्पादन किया जाता है, तो इसमें भी ज़्यादातर चाय और कॉफ़ी जैसी फसलें, यहाँ पर आपको रबड़ भी जैसी फसलें इसके अंतर्गत दिखाई देती हैं। इसके बाद औषधीय पौधे फसलें, अर्थात ऐसी पौधे या फसलें जो होती हैं जिनका हम औषधि के रूप में प्रयोग करने को लेकर उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि अफीम हो गया जो आपका जो आपके दर्द निवारक दवाइयों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, साथ ही यहाँ तो अश्वगंधा जैसी चीज़ें हो गई, तो ऐसे फसलें जो कि मूलतः औषधीय तत्वों को लेकर समाहित करती हैं और उनका औषधि के निर्माण में कहीं ना कहीं योगदान होता है, तो उनको वहाँ पर औषधीय फसलें कहते हैं। इसके अलावा चीनी फसलें, अर्थात ऐसी फसलें जिनका प्रयोग चीनी उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया चुकंदर और गन्ना हो गया। तो इस तरह से हम देखें आर्थिक दृष्टिकोण से आधार पर, व्यापार के दृष्टिकोण से यहाँ पर इन्हें कई अलग अलग वर्गों में रखा जाता है, जिसमें अनाज या खाद्यान्न फसलें भी आएँ, मोटे अनाज हैं, दलहनी फसलें हैं, चारा फसलें हैं, रेशे वाली फसलें हैं, व्यापारिक फसलें हैं, बागवानी फसलें हैं, औषधीय फसलें हैं और चीनी फसलें हैं। तो यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया हमने देख ली। अब बात करते हैं कि वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर यहाँ पर कौन कौन सी जो पेड़ पौधे हैं वो किस परिवार या फैमिली से बिलोंग करते हैं। समटाइम आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से देखने वाले हैं कि जो वानस्पतिक वर्गीकरण है उसके अंतर्गत कौन सी फसलें किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। जैसे कि लेगुमिनेसी परिवार वहाँ पर बीज पत्रों के आधार पर प्रजातियाँ जो होती हैं, जो दाल है या फिर मसलू, जैसे कि मटर है, चना है, मसूर है, ज़्यादातर दाल वाली जो फसलें आती हैं वो आपको लेगुमिनेसी परिवार के, इनको दलहनी फसलें भी बोला जाता है। तो लेगुमिनेसी परिवार के अंतर्गत मटर, चना, मसूर, सोयाबीन जैसी फसलें इसके अंतर्गत आपको दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कंपोजिटी परिवार, अर्थात सूरजमुखी, गेंदा, अर्थात जो फूल वाले जो पौधे होते हैं वो आपको यहाँ पर कंपोजिटी परिवार के अंतर्गत रखे जाते हैं। तीसरा है लिलिएसी परिवार, अर्थात जो भूमि के अंदर पत्रों के आधार पर पत्रीय फसलें होती हैं उनको यहाँ पर देखा जाता है, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया। इसके बाद आता है मोनोकीटोलेंडस ग्रामिनी, ऐसी फसलें जो कि खाद्यान्न के रूप में ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, मोनोकिटोलेंडस ग्रामिणी परिवार या फैमिली के अंतर्गत इनको रखा गया है। इसके बाद क्रूसीफेरा फसलें, जो फसलें हैं जैसे कि यहाँ पर सरसों है, पत्ता गोभी, फूल गोभी है, तो ऐसी फसलें जो आपको किसके अंतर्गत रखी जाती हैं, क्रूसीफेरा परिवार के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका सोलोनेसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं आलू, मिर्च और टमाटर। कौन कौन सी? सोलोनेसी के अंतर्गत आलू, मिर्च और टमाटर की जो फसलें हैं वो आपको सोलोनेसी के अंतर्गत रखी गई हैं। इसके बाद आता है मालवेसी परिवार। मालवेसी परिवार में आपको जो रेशे वाली जो फसलें हैं उनको रखा गया है, जैसे कि आपका कपास हो गया और पटसन हो गया। इसके बाद चीनोपोडियेसी, अर्थात चीनी फसलें जो होती हैं, तो चीनोपोडियेसी के अंतर्गत जैसे चुकंदर हो गया, गन्ना हो गया, इनको इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद रखा गया अम्बेलीफेरा, अर्थात ऐसी फसलें यहाँ पर जो मूलतः गाजर हैं, सौंफ और जीरा जैसी जो फसलें हैं वो किसके अंतर्गत रखी गई हैं, अम्बेलीफेरा के अंतर्गत। तो मूलतः यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जैसे लिलिएसी परिवार के बारे में पूछ लिया गया, या तो आपको कंपोजिटी है, लेगुमिनेसी परिवार है, इनसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, या फिर मालवेसी फैमिली है, तो इनको ध्यान रखना है। एक दो बार आप याद रखोगे, थोड़ा सा हो सकता है टफ लगता हो ये वाले नाम याद रखने में, लेकिन एक दो बार आप याद करोगे तो वो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे लेगुमिनेसी परिवार मटर, चना, सरोर, सरसों हैं, कंपोजिटी परिवार सूरजमुखी, गेंदा है, लिलिएसी परिवार प्याज और लहसुन है, मोनोकिटोलेंडस ग्रामिनी गेहूँ, जौ, चावल, मक्का है, क्रूसीफेरा सरसों, पत्ता गोभी, फूल गोभी है, सोलोनेसी आलू, मिर्च, टमाटर है, मालवेसी कपास, पटसन है, चिनोपोडियेसी चुकंदर है, और अम्बेलीफेरा गाजर, सौंफ और जीरा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फसलों को देखा, साथ ही साथ यहाँ पर वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर फसलों को भी हमने देख लिया। चलिए लास्ट में कुछ अन्य तथ्यों की भी जानकारी लेते हैं। कृषि क्रांतियाँ, ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर से बनते हुए दिखाई गए हैं।
और हर तरीके के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर आरओआरओ का हो, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, कहीं का किसी भी तरीके का एग्जाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर जितनी भी क्रांतियां कृषि से संबंधित रही हैं पिछले कई सालों में, जो भी डेवलपमेंट हुई हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कौन सी क्रांति किस प्रकार की फसल या क्षेत्र से आपको यहाँ पर संबंधित है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। तो मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी क्रांति प्रारंभ की गई? नीली क्रांति। दूसरा है तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई? यहां पर पीली क्रांति। तो इसको ध्यान रखना है, तिलहन पीली क्रांति से जुड़ता है। भारत में उर्वरक के उत्पादन आप जानते हैं कम रहता है। भारत ज्यादातर उर्वरक का उत्पादन जो होता है कह सकते हैं सीमित मात्रा में कुछ चीजों का करता है, और उनका आयात जो होता है बड़ी मात्रा में बाहर के देशों से करता है, जिसके कारण कई बार उर्वरक की अच्छी मात्रा उनको नहीं मिलती है, अच्छी गुणवत्ता युक्त उर्वरक नहीं मिलते हैं, और भारतीय कृषि इससे प्रभावित होती है। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत सरकार के द्वारा एक क्रांति शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि लाना, और इस क्रांति को क्या बोला गया? भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक क्रांति से। नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल अर्थात आलू। आलू की क्रांति जो होती है किससे संबंधित है? गोल क्रांति। आलू के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए यहां पर कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? आलू क्रांति, सॉरी गोल क्रांति। आलू, आलू बेसिकली गोल होता है, इतना तो आपको पता ही है। इसके बाद मांस और टमाटर दोनों ही शब्दों को यहां पर जोड़ा गया है किससे? आपको लाल क्रांति, क्योंकि दोनों ही रेड मीट आप जानते हैं वो भी लाल होता है, और बेसिकली मीट आपका लाल होता है, और यहाँ पर इसके साथ साथ आपका जो टमाटर है वो भी आपको रेड होता है। तो यहाँ पर लाल क्रांति मांस या टमाटर, अगर कोई भी ऑप्शन मिलता है, चाहे मांस मिलता है या टमाटर मिलता है, दोनों में से यदि कोई एक ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पर दोनों टिक करके आना है। यदि दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो भी वहाँ पर आपको अगर उपरयुक्त तो एक या दो करके दोनों मिल रहा होगा तो उसको वहाँ पर टिक करके आना है। इसके बाद सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो होती है आपकी बागवानी से संबंधित है। बागवानी के अंतर्गत कई सारी जो होती हैं उत्पादन को बेहतर करने को लेकर, बागवानी के अंतर्गत कृषि और मसालों के उत्पादन को बढ़ाने को लेकर, फसलों और फूलों इत्यादि की चीज़ों को बेहतर इत्यादि करने को लेकर बागवानी अर्थात सुनहरी क्रांति को भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके बाद झींगा मछली के उत्पादन को बेहतर करने के लिए गुलाबी क्रांति प्रारंभ की गई। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है आपकी? झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि को लेकर आपकी गुलाबी क्रांति यहां पर प्रारंभ की गई। तो यहां पर हमने सात क्रांतियों को देख लिया, अगली सात और क्रांतियां हैं। हरित क्रांति से आप सब परिचित हैं। हरित क्रांति क्या था? जिसके माध्यम से कृषिगत क्षेत्रों में विकास, अनाज के उत्पादन में वृद्धि लाना था। एम.एस. स्वामीनाथन को इसको एक बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर हरित क्रांति किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन में वृद्धि को लेकर। उसके बाद बादामी क्रांति। बादामी क्रांति देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से मसालों के उत्पादन से संबंधित यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद सिल्वर क्रांति। सिल्वर यहाँ पर कपास को है, कपास बेसिकली क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं, इसलिए उसको यहाँ पर सिल्वर क्रांति से जोड़ा गया है। तो सिल्वर क्रांति कैसा होता है? कपास उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत सरकार के द्वारा सिल्वर क्रांति प्रारंभ की गई। इसके बाद रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन को लेकर है, अंडे या मुर्गी जो भी है, तो वहाँ पर अंडे के उत्पादन में वृद्धि को लेकर रजत क्रांति प्रारंभ की गई। इसके पश्चात इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति जो मूलतः है दूसरी कृषि नीति से संबंधित है। तो भारत की जो दूसरी कृषि नीति बनी जिसके अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि करना था, उसको हम यहां पर इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको कई अलग अलग क्षेत्रों में काम करना था, कृषि के कई अलग अलग चरणों में विकास की प्रक्रिया को अपनाया जाना था, जिसके कारण इसे इंद्रधनुषी क्रांति बोला गया है। इसके बाद ब्लैक क्रांति। ब्लैक अर्थात जो कोयला है, बेसिकली वैकल्पिक जो ऊर्जा के स्रोतों को लेकर हम क्या कर सकते हैं, कौन से उपाय अपना सकते हैं, उनमें क्या क्या सुधार लाया जा सकता है, उनको लेकर हम यहाँ पर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को यहाँ पर विकसित करने को लेकर इसे ब्लैक क्रांति कहा गया। और इसके पश्चात लास्ट में बसता है आपका श्वेत क्रांति। इससे आप परिचित हैं, दुग्ध उत्पादन को बेहतर करने के लिए पीजी कुरियन यहाँ पर इसके लिए विख्यात रहे हैं वो। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कृषि से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों से कृषि क्रांतियों के बारे में पढ़ा। आपकी नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी, गोल, लाल, सुनहरी, गुलाबी,
सर आपको हरित, बादामी, सिल्वर, रजत, इंद्रधनुष और श्वेत क्रांति, टोटल यहाँ पर 14 क्रांतियाँ हैं और सभी यहाँ पर अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इनको एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करना है और हो सके तो रिवीजन के दौरान एक चित्रात्मक स्थितियों को ध्यान में रख लीजिएगा, जोड़ लेंगे तो वहाँ पर चीज़ें बहुत आसानी से याद रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का यहाँ पर टॉपिक हमने कृषि से संबंधित कुछ प्रणालियों, उससे संबंधित साथ ही यहाँ पर प्रकार और आपको यहाँ पर क्रांतियों के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ अन्य चीज़ों को लेकर आएंगे, चाहे वो फसलों, कौन सी फसलें कहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होती हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के आधार पर कुछ कृषिगत स्थितियों को भी देखेंगे। तो इतना ही आज तक रखें, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स को लेकर अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।